फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्लाजो की कटिंग बताऊंगी और स्टिचिंग बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आपको कॉमेंट्स बहुत आ रही थी आप सबकी कि हमें हिप कितना रखना होता है, लंबाई में हमें मार्जिन कितना लेना है। तो चलिए, सारे आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगी। तो ये मैं 38 इंच लंबाई और 40 इंच कमर वाली बना रही हूँ प्लाजो। तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग। तो यहाँ पे हमने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है, ये कॉटन का फैब्रिक है। सबसे पहले आपको इसको सफाई से प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको सफाई से प्रेस कर लिया है। यहाँ पे हमने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है, इसको अब हमें क्या करना है, उल्टा करना है। इसको ऐसे डबल करेंगे इस टाइप से, ये देखिए ऐसे, और इसको हमें उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद इसको अब हमें ऐसे 4 लेयर में रखना है, बराबर से इसको हमें 4 लेयर कर लेना है ऐसे। तो इसको हम सफाई से 4 लेयर कर लेते हैं, ये इस तरीके से बिछाना है। तो 4 लेयर में हमने इसको रख लिया है, ये बंद वाला साइड इधर है, खुला वाला साइड इधर है, ये देखिए ऐसे, ये खुला वाला साइड है और इधर बंद वाला साइड है, इधर से हमें कुछ नहीं करना है। तो अब चलिए कटिंग कैसे करेंगे, तो पहले मैनेजमेंट लेते हैं। तो कंप्लीट इसके 38 इंच लंबाई हमें रेडी चाहिए। तो यहाँ से, अगर यहाँ से फैब्रिक टेढ़ा मेढ़ा है तो आप इसको कट कर लेंगे। तो चलिए इसको पहले हम बढ़ा के यहाँ से मैनेजमेंट लेंगे। अगर फैब्रिक को पहले आपको यहाँ से बराबर कर लेना है, यहाँ से हमने फैब्रिक को बराबर कर लिया, जो टेढ़ा था उसको हटा दिया। अब यहाँ से हमें फोल्डिंग के लिए चाहिए, जिधर से इलास्टिक लगाते हैं वो फोल्ड के लिए चाहिए। तो यहाँ से हम 2 इंच फोल्ड के लिए ले लेते हैं, ये यहाँ से 2 इंच इलास्टिक के लिए, जिधर से लगेगी इलास्टिक लगाइए, डोरी लगाइए, जो भी लगाइए उसके लिए आपको लेना होगा। उसके बाद आपको एक लेग सेपर लेना है इस तरीके से सीधा एस्केल, और इसको आपको सीधा ड्रॉ करना है ऐसे। तो यहाँ से हमने नेफा फोल्ड के लिए इतना ले लिया है। अब उसके बाद इसकी लंबाई, तो हमें कंप्लीट लंबाई चाहिए 38 इंच, यानी कि 38 इंच। तो यहाँ से लेंगे 30 इंच ऊपर से लेते हुए पकड़ेंगे यहाँ, तो यहाँ 38 हो रहा है, फिर इधर से लेंगे 38 ऐसे। 38 हमने इधर से ले लिया। अब इस लाइनिंग को भी हमें सीधा खींचना है, सीधा ड्रॉ करना है ऐसे ऐसे। हमने इसको भी खींच के सीधा लाइनिंग ड्रॉ कर लिया। अब यहां से देखना है कमर, तो आपका जितना भी कमर है उसमें आपको 4 इंच ऐड करना है। तो यहां से हमने ये ले लिया। अब यहां देखिए हमें कमर है 40, तो यहां से हमें 4 इंच ऐड करना है और उसका 1/4 लेना है। तो 44 का 1/4 होगा, यानी कि चौथाई हिस्सा 11 इंच। यहाँ पे हमें 11 पे मार्क लगाना है। अगर आप लूज फ्री साइज जैसा बनाना चाहते हैं प्लाजो, तो आप कोई भी प्लाजो बनाए किसी भी साइज का, आपको 4 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग लेना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 11 इंच इस तरीके से 11। अब इसमें हमें 2 इंच लूजिंग सिर्फ क्रॉच एरिया वाले के लिए ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से अब एक बॉक्स बनाना है 11 इंच का, ये, और इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है ऐसे, फिर इधर से 11 इंच का एक बॉक्स बनाएंगे, और उसके बाद 2 इंच हमें यहाँ पे लूजिंग लेना है क्रॉच एरिया के लिए। 2 इंच हम यहाँ से ऐसे बढ़ा लेंगे, और उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से जैसे आर्म होल में गोल सेप देते हैं वो वाला सेप हमें ऐसे देना है इस तरीके से। उसके बाद अब हमें, अगर आपको इससे भी फ्री रखना है तो थोड़ा सा आप और बढ़ा लेंगे। तो अगर आप ज़्यादा लूजिंग पहनना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ से ये क्रॉच एरिया से
जितना आपको घेर रखना है उतना आप रख सकते हैं। तो मुझे इसका घेर पूरा फूल घेर वाले बनानी है, तो यहाँ से लेंगे ऐसे और इसको ऐसे मिला देंगे, इससे इसको मिलाएंगे, ये देखिए। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, 1 इंच इसमें नीचे फोल्डिंग के लिए बढ़ा के लेना है। तो यहाँ हमने इसको बढ़ा के ले लिया। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसको देखिए इस तरीके से हमने मार्किंग किया। अब इसको हम डार्क थोड़ा कर लेते हैं, अच्छे से डार्क कर लिया है। अब करते हैं इसकी कटिंग। तो यहाँ से देखिए ऐसे लेना है, फ्रेंड्स ये वाला अगर आपका ज्यादा है कमर तो इसका लंबाई आप 15 से नीचे एकदम नहीं रखेंगे, 13 रखेंगे, 12 14 तक रखेंगे, 15 से नीचे रखेंगे तो ये बहुत गंदा लगेगा। इसका ये जो लंबाई होता है अगर बढ़ाएंगे भी तो ये देखिए इस तरीके से हमने कटिंग इधर का कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ जो एक्स्ट्रा है इसको ऐसे बढ़ा के कटिंग करेंगे, ये देखिए। अब हमें इसमें थोड़ा सा गोलाई शेप देना है, तो देखिए हम यहाँ से नाप लेंगे ये, तो ये हो रहा है 27.5 इंच, तो ये भी 27.5, तो थोड़ा सा इसमें हल्का सा गोलाई देते हैं, ये देखिए। तो हल्का सा यहाँ पे हमें गोलाई देना होता है, तो ये गोलाई हमने दे दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें अगर आसन लगाना चाहते हैं तो आप आसन भी लगा सकते हैं, तो ये मैं आसन इसमें लगा लेती हूँ। तो यहाँ से जो फैब्रिक निकला है इसी से आसन बना देंगे, तो 2-4 निकला है तो 2 हटा देते हैं और 2 का आसन बना देंगे। ये थोड़ा हैवी साइज है तो आप म्यानी लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो म्यानी इस तरीके से हमें लेना है। उसके बाद इसकी लंबाई लेनी है यहाँ से 9 इंच, फिर इधर से तो ये थोड़ा सा पतला हो रहा है, तो यहाँ से फैब्रिक ऐसे कट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से 9 इंच का एक फैब्रिक निकालेंगे ऐसे, उसके बाद इसको करेंगे ऐसे सीधा। सीधा करने के बाद अब इसको हमें लेना है ऐसे तिरछा और कटिंग कर लेना है आसन के लिए, ये तो ये हमने आसन कटिंग कर लिया है। अब इसके स्टिचिंग चलिए करते हैं, तो इसमें ये आसन ऐसे ऐड हो जाएगी, ये देखिए। तो अब इसकी स्टिचिंग हम शुरू करते हैं, तो एक पल्ला लेंगे ऐसे और इसके ऊपर हमें जो हमने आसन कटिंग किया है वो डालेंगे, तो ऐसे लेना है यहाँ से और इसको ज्वाइंट करना है, तो इसको ज्वाइंट इस तरीके से कर लेते हैं। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और बताते हैं कैसे हमें लेना है और इस आसन को कैसे अटैच करना है, वो देखिए। यहाँ से ऐसे लेंगे, इस तरीके से हमने आसन ज्वाइंट कर लिया है एक साइड का, अब दूसरा ज्वाइंट करेंगे। ऊपर दूसरा वाला पल्ला डालेंगे, तो वो कैसे डालते हैं वो देखिए। ऐसे लेना है, इतना हमें छोड़ते हुए जितना हमने इलास्टिक के लिए यहाँ से मार्किंग किया हुआ है उतना हमें यहाँ से छोड़ते हुए सिलाई लगाना है ऐसे। यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया एक साइड का, आसन ज्वाइंट हो गया, देखिए कितना अच्छा से। अब सेम इसी तरह दूसरे साइड का ज्वाइंट करते हैं। साइड का इस क्रॉच एरिया में रखना है आसन को
ऐसे लेते हुए अब इधर साइड के क्रॉच एरिया में डालेंगे। दूसरा वाला भी आसन जॉइंट हो गया। अब इसको उधर से पलटेंगे तो कैसे हैं वो देखिए, यहाँ हम ले लेंगे और इधर वाला क्रॉच एरिया को अब इसके ऊपर डालेंगे, उधर जितना हमने ऐसे लेना है। एक साइड ही हमें इतना छोड़ना था, दूसरा साइड नहीं छोड़ना है क्योंकि एक साइड से ही इलास्टिक एंट्री होगी। इस तरीके से दूसरे साइड की भी आसन जॉइंट हो गई है, ये देखिए। अब इसको हमें ऐसे पलट लेना है, ये देखिए। अब आ गई कमर। अब इलास्टिक जो जिधर हम डालते हैं वो हमने जो छोड़ा हुआ है उसको अब सिलाई लगा के बना लेते हैं। तो ऐसे लेना है, फिर इधर से ये देखिए इस तरीके से हमने बनाया। अभी इसको फोल्ड करेंगे, अच्छे से मोड़ते हैं, जिधर से हम जैसे इलास्टिक लगाते हैं उसके लिए फोल्ड कर लेते हैं ऐसे, इस तरीके से, और सिलाई लगाते जाएंगे। इधर से इलास्टिक लगाइए, डोरी लगाइए, आपको जो भी लगाना है इधर से ही लगा सकते हैं। ऐसे लेना है, कवर से फोल्ड करते जाना है। यहाँ तक हमने सिलाई लगा लिया, अब इधर से इलास्टिक डाल सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब इधर से इलास्टिक डालिए, डोरी डालिए, जो भी आप इतना ओपन में डाल सकते हैं। अब साइड फिटिंग करते हैं, साइड वाले ये जो गोलाई है इसको फिटिंग करते हैं। हाफ हाफ इंच दबाते हुए सिलाई लगा देंगे। आसन के साइड दूसरा साइड घुमा देते हैं। तो साइड फिटिंग देखिए कितना अच्छे से हो गया। अब हमें क्या करना है, गोलाई को फिट करना है। इसकी गोलाई को नीचे को फोल्ड करेंगे, कैसे फोल्ड करते हैं वो देखिए। यहाँ से ऐसे पकड़ना है इस तरीके से, उसके बाद हाफ इंच ऐसे अंदर लेना है, उसके बाद फिर ऐसे हाफ इंच लेना है और पूरे को सिलाई लगा देना है इस तरीके से। ऐसे हाफ हाफ इंच अंदर की तरफ करते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है, ये देखिए इसी तरीके से।
पूरे गोलाई को। पूरा गोलाई में एक साइड का फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। अब दूसरा वाला को फोल्ड करते हैं। दूसरा का भी हमने फोल्ड कर लिया है। अब हो गई ये कंप्लीट। अब यहाँ से एक्स्ट्रा धागा को कट कर देंगे इस तरीके से। अब ये जो हमने ओपन रखा हुआ है ये, अब इधर से आप लास्टिक डालिए, डोरी डालिए, जो भी डालना हो आप इसको डाल के चुनट बना सकते हैं। तो ये मैंने डोरी वाला बनाया है क्योंकि ये फ्री साइज है, जिनका है जिनको पहनना है उनको इलास्टिक बिल्कुल भी सेट नहीं करती है, इसलिए हमने डोरी वाला बनाया है। तो चलिए अब इसकी पूरी फुल व्यू दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये डोरी वाला ये हो गया, ये हो गया आसन। इस तरीके से पूरी फुल घेर वाली है। देखिए घेर भी काफ़ी है, अच्छा है। इतना ही घेर का बनाएंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगेगी प्लाजो। तो ये देखिए कितना खूबसूरत बना है। इसको अच्छे से ये देखिए इसका ये पूरा लुक। अब इसको इस तरीके से रख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। आसन वाली भी आसानी से आप प्लाजो बना सकते हैं, जिनका हिप ज़्यादा है उनको इस तरीके का ही प्लाजो अच्छा होगा, पहनने में भी कंफर्टेबल होगा। तो फ्रेंड्स आज की ये प्लाजो कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, कुछ पूछना है तो नीचे कीजिएगा कमेंट। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।